Or Dusra have war. What is administration of justice? Dear students, the primary function of a state is administration of justice. The terms administration and justice respectively means practical management and the giving every man what he deserves as per law. Administration of justice kiwati. सीधी सी बात है अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है और फंडामेंटल राइट्स के तहत बहुत सारे लॉज बनते हैं वो भी राइट्स जनरेट करते हैं तो सीधी सी बात है सोसाइटी में जब आप रहेंगे तो राइट्स और ऑब्लीगेशन जो है उनसे आपका वास्ता रहेगा अगर आपका राइट right है तो वो दूसरे का ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन जो है एक टर्म है लैटिन ऑब्लिगेशियो मींस ड्यूटी ऑब्लिगेशम्पोज बाय लॉ वहां से है और राइट right और ऑब्लिगेशन का जब डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात आ जाती है कि जो जिसका लॉ के मुताबिक राइट है उसको दे दो तो जब जस्टिस को देने के लिए प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की जाती है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं तो फंक्शन ऑफ स्टेट ये है जो प्राइमरी है वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो जब जस्टिस होगा तो हर बंदा सेटिस्फाइड होगा और सोसाइटी में पीस रहेगा पीस होगा तो इंटेलेक्चुअली सोसाइटी ग्रो करेगी टेक्निकली सोसाइटी ग्रो करेगी इन्वेंशन होंगी नई थेरीज आएंगी और सोसाइटी ज्यादा कोजी और कंफर्टेबल होती चली जाएगी तो माय डियर स्टूडेंट्स जस्टिस मींस गिविंग एवरी मैन व्हाट इज ड्यू टू हिम एज पर लॉ तो लॉ के मुताबिक जो जिसका है उसको दे दो ये जस्टिस कहलाता है तो इसके अलावा कहते हैं कि स्टेट स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अ सब्सिट्यूट फॉर प्राइवेट वेंजियंस प्राइवेट वेंजियंस क्या होता है कि जाति तौर पर बदला ले लेना पुराने जमानों में जब स्टेट नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं था तो लोग अपने साथ जो किसी ने बुरा किया होता था उसका बदला खुद लेते थे लेकिन जब से स्टेट का वजूद है क्रिएट हुआ है तो वहां पर यह है कि आपके साथ अगर कोई रॉन्ग हुआ है वो सिविल है या क्रिमिनल है तो आप कोर्ट के पास जाए वो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करेगी तो आप लेबर पॉलिसी पढ़ें तो लेबर के राइट्स भी तो है ना अगर वो इन्फ्लेंज होते हैं वायलेशन होती है उनकी तो आप कहाँ जाएंगी तो आप स्टेट में रह रहे हैं सीधी सी बात है आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट्स के पास जाएंगे तो कोर्ट्स आपके जो के लिए रेमेडी अवेलेबल करेगी तो स्टेट का, का काम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है और यहां पर प्राइवेट वेंजियंस की कोई जगह नहीं है कि आप कहें मैं खुद इसका बदला ले लूंगा यू हैव टू गो बाय द लॉ देर इज रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री तो क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लेबर पॉलिसी पाकिस्तान पढ़ रहे हैं लेबर से मुतल सब कुछ है लेबर ने मुल्क में रहना है स्टेट है स्टेट कैसे चलती है सोसाइटी कैसे चलती है कम्युनिटी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके अलावा आप बहुत सारी बातें पढ़ेंगी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें आएंगी तो सारे जो इसके टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के वो सिंक्रोनाइज आपस में हैं में है सिविलाइज का यहां पे मतलब लिखा है सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड और कल्चर तो इंसान जो है वो सिविलाइज होने का सफर कर रहा है किसी भी काम को ऐसे तरीके से करना कि दूसरे लोगों को अच्छा लगे उसको सिविलाइजेशन कहते हैं मतलब है ऑल्टरनेट प्राइवेट का मतलब है पर्सनल का मतलब है रिवेंज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माई डियर स्टूडेंट दस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय स्टेट इज अ कल्चर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर पर्सनल रिवेंज यहां पर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो इस वक्त हैडिंग है वो ये है कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो इन एशियन टाइम्स मैन यूज टू टेक रिवेंज वायलेंटली By self help or with the help of his associates and relatives. As society grew up, the disputes were styled settling with the help of the person of position, influence, and social status. Later, ladies and gentlemen, the institution of kingship replaced this method and administered justice through appointed jurists. In modern world, we are living in a political state. Or here, the political state, the revenge, you have to go to the court of law for the administration of justice. Summoned and state administration of justice, this is very important. Law may be defined as body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. सी बात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो ही नहीं सकती जब तक आप लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आई होप यू हैव हैवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच